नमस्ते गाइस, जैन कैसे हो आप लोग सब। आज हम लोग बात करेंगे जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के बारे में एंड क्या जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुबई आबू धाबी जैसा एक हब बन सकता है या नहीं। देखिए, ये वाला वीडियो बनाने का मेरा मेन रीज़न ये था कि ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट जो कि जेवर एयरपोर्ट को चलाएगी, उन्होंने अभी इंडिगो स्पाइसजेट और एयर इंडिया से बातें शुरू कर दी हैं। बातें किस चीज़ को लेकर कि वो चाहते हैं कि जेवर जो है एक हब बन जाए दुबई आबू धाबी या सिंगापुर की तरह। एंड इसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जो एयरलाइंस हैं वो वहाँ से कनेक्टिंग फ्लाइट्स ऑफर करें। जैसे आप लोगों को अमेरिका अगर जाना हो, सैन फ्रांसिस्को आपको जाना है, तो बहुत बार मैंने देखा है कि आप दुबई से चेंज करते हैं, एमिरेट्स से अपने फ्लाइट ली दिल्ली दुबई, उसके बाद फिर दुबई से सैन फ्रांसिस्को आप लेते हैं। तो दुबई क्या है, एक हब है। ऐसे ही जो लोग यूके से ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं वो दुबई को यूज़ करते हैं, दोहा एज अ हब यूज़ किया जाता है, सिंगापुर को एज अ हब यूज़ किया जाता है। वैसे ही ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट ये चाहती है कि जेवर एयरपोर्ट भी ऐसा ही एक हब यूज़ किया जाए। अब ज्यूरिख एयरपोर्ट जो ये बात बोल रहा है, क्या ये चीज़ें हो सकती हैं जेवर में या नहीं? देखिए, ये बहुत सारे फैक्टर्स पर डिपेंड करता है। सबसे पहले तो एयरलाइंस तैयार होनी चाहिए, जिसके मामले में वो लोग ऑलरेडी बात कर रहे हैं, एंड मेरे ख्याल से एयर इंडिया तो हो जाएगी तैयार, और सारी एयरलाइंस का पता नहीं, क्योंकि एयर इंडिया का जो नेटवर्क है वो बड़ा है। एयर इंडिया ऐसी चीज़ें कर सकती है कि कोई आदमी लंदन से सिडनी जा रहे तो वो वाया जेवर चला जाए एयर इंडिया के थ्रू, बट जो इंडिगो हो गई, स्पाइसजेट हो गई, उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। वो हो सकता है ऐसी सर्विसेज ऑफर कर दे कि किसी को दुबई से सिंगापुर जाना तो वो वाया जेवर एयरपोर्ट चला जाए। ऐसी चीज़ें हो सकती हैं। एयर इंडिया के लिए बहुत ज़्यादा आसान होगा जेवर एयरपोर्ट के थ्रू कनेक्टिंग फ्लाइट्स ऑफर करना, बट इंडिगो स्पाइसजेट के लिए थोड़ा सा मुश्किल हो सकता है। हाँ, अभी जैसे खबर आ रही है कि इंडिगो 500 प्लेन्स ऑर्डर करेगा, जिसमें नैरो बॉडी के साथ साथ वाइड बॉडी प्लेन्स भी होंगे। अगर वो चीज़ होती है एंड उनके पास 787 या फिर A330 जैसे प्लेन्स आ जाते हैं एंड वो लो कॉस्ट फ्लाइट्स ऑफर कर रहे हैं यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, अलग अलग जगह, तो एक बार को वो लोग भी इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकते हैं। बट अब बात आती है कि अगर एयरलाइंस भी तैयार हो गई तो क्या ये चीज़ जेवर एयरपोर्ट पर हो सकती है? मेरे हिसाब से बिल्कुल हो सकती है। देखिए क्या है, मैंने कुछ टाइम पहले एक वीडियो बनाया था केस स्टडी ऑन एमिरेट्स एयरलाइन। मैंने उसमें बताया था कि एमिरेट्स क्यों इतनी फेमस हुई। उसमें मैंने सबसे बड़ा जो पॉइंट बोला था वो ये था कि दुबई की जियोग्राफिक लोकेशन दुबई की ऐसी थी कि विद इन 8 आवर्स आप 2/3 ऑफ द वर्ल्ड पहुंच सकते हो। नोएडा से अगर आप देखें तो विद इन 8 आवर्स नहीं तो विद इन 9 आवर्स यू कैन रीच 2/3 ऑफ द वर्ल्ड। आप 9 घंटे के अंदर लंदन पहुंच सकते हैं, 9 घंटे के अंदर आप साउथ अफ्रीका पहुंच सकते हैं, 9 घंटे के अंदर आप पर्थ पहुंच सकते हैं। हाँ, अगर आप लोग को सिडनी मेलबर्न जाना है या फिर न्यूयॉर्क जाना है या फिर टोरंटो जाना है, वो 14-15 घंटे की होंगी फ्लाइट्स। बट इतना ज़रूर है कि नोएडा कैन बी यूज एज अ हब इन प्लेस ऑफ दुबई या इन प्लेस ऑफ दोहा। वो बिल्कुल वैसा रोल प्ले कर सकता है, बहुत आराम से कर सकता है। अब जैसे एयर इंडिया की फ्लाइट है जो सिंगापुर भी जाती है, न्यूयॉर्क भी जाती है, किसी को सिंगापुर से न्यूयॉर्क जाना है तो उसके लिए बहुत आसान होगा कि आप सिंगापुर से नोएडा और नोएडा से फिर उसके बाद सीधा न्यूयॉर्क की फ्लाइट ले लो। तो ये सारी चीज़ें पॉसिबल हैं बहुत अच्छी तरीके से अगर इम्प्लीमेंट किया जाए तो नोएडा एक ट्रांजिट हब बन सकता है। एंड ट्रांजिट हब्स जो है ना बहुत पैसा कमाते हैं, क्योंकि बात केवल ये नहीं होती कि कोई इंसान एक प्लेन से उतरा दूसरे प्लेन में बैठ गया। भाई जब तक वो 2-3 घंटा आपके टर्मिनल में है तब तक वो शॉपिंग भी करेगा, कुछ खाएगा पिएगा भी, तो कहीं ना कहीं उसमें कमाई होती है। एंड क्योंकि वो इंडिया की एयरलाइन यूज़ कर रहे हैं तो उससे भी रेवेन्यू आ रहा है हमें। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को सक्सेसफुल बनाने के लिए करनी चाहिए। क्योंकि देखिए क्या है, मैं बहुत बार ऐसा सोचता था कि दिल्ली को हम एज अ हब क्यों नहीं यूज़ करते हैं। मैंने कभी कभी देखा भी है दिल्ली टर्मिनल 3 पर कि कोई इंसान पेरिस से आ रहा है एंड वो एयर इंडिया की फ्लाइट से कनेक्ट करके सिंगापुर जा रहा है, बट वो हार्डली बहुत कम लोग होते थे। एंड मेरे को हमेशा लगता था कि यार दुबई जैसी लोकेशन हमारी भी है, हम भी चाहें तो ऐसी चीज़ें कर सकते हैं, बट क्यों नहीं हो रहा ये चीज़ इंडिया में। बट आई थिंक अब ये जो प्लानिंग चल रही है ये बहुत ज़्यादा सही है एंड ये बहुत मदद करेगी हमें नोएडा को एक हब बनाने में। इंडिया में एक हब होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इंडिया की ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत अच्छी है। इवन अगर कोई मुंबई में भी ऐसा हब बनाए ना तो मुंबई की भी ज्योग्राफिक लोकेशन बहुत अच्छी है एंड नोएडा इज़ ऑल सेट टू बिकम अ हब। यहाँ पे MRO का भी हब बनेगा, उसके अलावा कार्गो टर्मिनल्स बनेंगे, कार्गो फ्लाइट्स का आने जाने का होगा, मेंटेनेंस हैंगर्स बनेंगे, बहुत सारी चीज़ें होंगी। फिर इसमें जो है बुलेट ट्रेन का भी स्टेशन प्रपोज है। इसके अलावा दिल्ली मुंबई एक्सप्रेस से कनेक्टिविटी है, इसके अलावा दिल्ली मेट्रो से कनेक्टिविटी होगी। अब ये तो सब एक्सटर्नल चीज़ें हो गई। देखिए क्या है कि जब कोई एयरलाइन को सक्सेसफुल होना होता है ना तो वो केवल इस बात पे डिपेंडेंट नहीं रह सकते हैं कि हाँ हमारे देश में जो भी टूरिस्ट आ रहे हैं केवल वही हमारी एयरलाइन को यूज़ करें। ट्रांसिट पैसेंजर्स भी एक बहुत बड़ा बिजनेस है। अब आप मेरे को बताइए, क्या कतर एक बहुत अच्छी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है? बिल्कुल नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा कि लोग कतर नहीं जाते हैं, जाते हैं, बट एज अ टूरिस्ट डेस्टिनेशन वो उतनी फेमस नहीं है। बट कतर एयरवेज एक ऐसी एयरलाइन है जिसमें बहुत सारे लोग ट्रैवल करते हैं, कहते हैं 5-स्टार एयरलाइन, ये वो फलाना ढिमका। एंड इनमें से बहुत सारे लोग ऐसे होंगे जो कतर एयरवेज से मान लीजिए US जा रहे हैं या फिर यूरोप जा रहे हैं,
एंड वो कभी ना कभी सोचते होंगे कि यार अब हम जो है दोहा एयरपोर्ट इतना अच्छा है तो दोहा सिटी कितनी अच्छी होगी। तो उसमें कहीं ना कहीं ये चीज़ होती है कि 100 लोग अगर मान लीजिए कनेक्टिंग फ्लाइट ले रहे हैं तो उनमें से 10% तो ऐसे ज़रूर होंगे जो फ्यूचर में प्लान्स बनाएंगे कि हमें दोहा आना है। तो एक ट्रैवल के थ्रू जो आपका रेवेन्यू मिल सकता है ना वो भी मिलेगा एंड प्लस आपके अपने देश की मार्केटिंग भी हो रही है उससे। तो आई थिंक इट इज़ अ वेरी गुड स्टेप जो कि ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट अब ले रहा है। बस ये बात हमें ध्यान रखनी बहुत ज़रूरी होगी कि इम्प्लीमेंटेशन इसका बिल्कुल फ्लॉलेस हो इसमें, क्योंकि देखिए जो कनेक्टिंग फ्लाइट्स वाला जो बिज़नेस है ना उसमें प्रॉब्लम्स बहुत आती है। बैगेज की प्रॉब्लम्स हो गई या फिर पैसेंजर्स को कनेक्ट करने की प्रॉब्लम्स हो गई। बहुत बार ऐसे होता है कि दो फ्लाइटों के बीच में 2 घंटे का फ़र्क है, एक फ़्लाइट जो है 1.5 घंटा लेट पहुंची तो उसमें जो मिस्ड फ्लाइट्स हैं उनके लिए आपको कंपनसेट करना पड़ता है एंड ऑल दैट। ये सारी चीज़ें होती हैं, इन सब चीज़ों का एक्सपीरियंस ज्यूरिख इंटरनेशनल एयरपोर्ट को ऑलरेडी है एंड वो हमें मदद कर सकते हैं जेवर को एक ट्रांजिट हब बनाने में। आपको इस वीडियो में और कुछ ऐड करना हो प्लीज़ कमेंट्स में ज़रूर बताना। ये भी ज़रूर बताइएगा कि क्या आपको ऐसा लगता है कि दुबई दोहा की तरह हम जेवर एयरपोर्ट को भी एक हब बना सकते हैं या नहीं। लाइक दिस वीडियो, शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।